क्या 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 आपको पता है, मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी वो बहुत पुरानी वीडियो थी। मींस जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वो वीडियो 3 जुलाई को आने वाली थी, लेकिन मेरे चैनल पे 3 तारीख को ही स्ट्राइक पड़ गई, जिस वजह से यूट्यूब ने मेरे चैनल पे 7 दिन के लिए वीडियो अपलोड बंद कर दिया। तो गाइस जो कल का वीडियो था ना वो 3 जुलाई के लिए था। मुझे काफी सारे लोग कह रहे थे, मनीष भाई तुम बहुत ज्यादा आलसी हो, तुम बहुत ज्यादा लेट वीडियो अपलोड करते हो, क्योंकि आप सभी को पता होगा मेरे चैनल पे 7 दिन का गैप आया था। भाई मैं खुद के मन से गैप नहीं लिया था, मुझे जबरदस्ती लेना पड़ा था। हाँ मुझे वैसे तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कि स्ट्राइक पड़ने पे रोते रोते वीडियो बना के अपलोड करते हैं। मैं अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूं और मैं अपने कर्म में विश्वास करता हूं। अरे यार मैंने मजाक में आपके 30 सेकंड बर्बाद कर दिए। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए टाइम वेस्ट करते हैं। तो कैसे आप बताया, जब आप फुल मैप खेलोगे FF कॉइन जो होते हैं ना इसे आप अनलिमिटेड ले सकते हो, उसके पीछे एक ट्रिक होती है। अब FF कॉइन कितना काम आता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अनलिमिटेड FF कॉइन रहेगा तो आप अपने टीममेट को बार बार रिवाइव कर पाओगे। तो भाई इसको लेना कैसे है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में से कमाल के मिस्टर सनन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन फैक्ट्स से उनके आपके रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 5, मैं पिछले कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, फिर भी गरीना फ्री फायर मुझे काफी सारे नए नए आइटम्स भेजे थे, गरीना फ्री फायर गेम में आया नहीं था। और उन आइटम्स में ऐसे आइटम्स भी थे जो कि बहुत ज्यादा यूनिक थे। चलो मैं उन यूनिक आइटम के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले गाइस गरीना फ्री फायर ने मुझे लेजेंडरी ट्रैप बंडल भेजा था। अब ये तो गाइस हमारे गेम में एक इवेंट में आ चुका है, लेकिन क्या आपको पता है इस बंडल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज और यूनिक चीज क्या है। बंडल का जो अपर वाला पार्ट है ना, मतलब जैकेट वाला पोर्शन, ये अपने आप गायब हो जाता है और अपने आप वापस भी आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा लेजेंडरी बंडल या फिर ऐसा कौन सा बंडल है जिसमें गरीना फ्री फायर गेम में ऐसा टाइप का कुछ सीन क्रिएट करता होगा, मतलब अपने आप ही नंगा हो जाता है और अपने आप ही कपड़े पहन लेता है। नहीं यार, ये बंडल उनमें से एक है, ये बहुत ज्यादा यूनिक है, ऐसा कोई बंडल है ही नहीं। और इसके बारे में आपको एक और यूनिक चीज बताता हूं। जब भी आप इस पूरे बंडल को पहन के गन स्विच करोगे तो इसको पैंट वाले पोर्शन में एक अलग से एनिमेशन आएगा। और वैसे ही फ्री फायर ने मेरे को एक फीमेल वाला बंडल भी भेजा था जो कि दिखने में काफी अच्छा था, लेकिन इस पे कोई यूनिक चीज नहीं थी, बस इसमें भर भर के एनिमेशन दिए थे। बट हां पहन के खेलोगे तो फीमेल बंडल ये वाला बहुत अच्छा था। और उसके बाद फ्री फायर ने कटाना दिया था जो कि दिखने में मुझे काफी अमेजिंग लग रहा था यार। मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन था ना, ये मुझे आज तक जितने भी कटाना है सब में बेस्ट लगा। और उसके बाद एक बैकपैक जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है, जो कि लेवल 3 में आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और इस बैकपैक में भी एक बहुत ही यूनिक चीज है गाइस। अगर आपने बैकपैक पहना और आपने किसी बंदे को एलिमिनेट कर दिया या फिर आपने एक बंदे को नॉक कर दिया, तो ये बैकपैक खुद में एक अलग से एनिमेशन परफॉर्म करेगा, जो कि देखने लायक होता है। और मुझे जहां तक पता है आज तक फ्री फायर में कोई भी ऐसा बैकपैक नहीं आया जो कि इतना ज्यादा यूनिक है। उसके बाद फ्री फायर ने मुझे टोकन्स भी दिए थे अवेकन आलोक करने के लिए। तो आलोक अवेकन करके फ्री में मिल गया, आपको ये मिल सकता है। आपको सिंपली मिशन कंप्लीट करना है और मिशन कंप्लीट करने के बाद आपको टोकन कलेक्ट करके अपने आलोक को अवेकन कर लेना है। और मैंने कई बार आप लोगों को इलाइट आलोक की एबिलिटी के बारे में बताया था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आज के इस वीडियो में बता के वीडियो को और लंबी करना है। उसके बाद मुझे एक बाइक की स्किन मिली थी जो कि ठीक ठाक सी थी। अरे रुको, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। आज ही सुबह सुबह फ्री फायर ने मुझे एक नया आइटम भेजा, जो कि है ये वाला इमोट। और ये वाला इमोट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ, मुझे पता है ये वाले इमोट का इवेंट आ चुका है, लेकिन इस इमोट में क्या आपको पता है कि यूनिक चीजें क्या है। सबसे पहले तो यार ये ग्रुप इमोट है, मतलब आप अपने ग्रुप में परफॉर्म करोगे तो आपके सारे ग्रुप वाले इस इमोट को परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये इसमें यूनिक चीज नहीं है। लास्ट में थ्रोन आता है, लेकिन कुछ कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में टॉयलेट भी आ जाता है, मतलब जो वेस्टर्न टॉयलेट बोलते हैं ना वैसा टाइप का कुछ आ जाता है, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अब मुझे पता नहीं है कोई ग्लिच है या फिर ऐसा ही है, बट हाँ इमोट तो भाई A1 है। सारा मेरे साथ एक यूनिक चीज हो गया, हर बार फ्री फायर मुझे मेल बॉक्स में भेजता है आइटम्स, लेकिन एक आइटम ऐसा है फ्री फायर ने जो कि डायरेक्ट मुझे वॉल्ट में ही भेज दिया। मतलब यार फ्री फायर ने मुझे ही टोपी पहना दिया। अरे टोपी से मुझे याद है, फ्री फायर ने मुझे टोपी ही तो भेजा है वॉल्ट सेक्शन में। ये हैट बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है, ये एक्सक्लूसिव हैट है। मतलब ये जो टोपी है ना, ये 6th एनिवर्सरी का एक्सक्लूसिव टोपी है। ये टोपी को पहनकर आप सबको टोपी पहना सकते हो। ये टोपी अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको गेम के अंदर मिशन कंप्लीट करना है। फैक्ट नंबर 4, रिसेंटली हमारे गेम में क्यूब रिवॉल्व सिस्टम आया है, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक रिवॉल्व सिस्टम है। अभी भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि गेम के अंदर इस क्यूब रिवॉल्व वाले सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं। जिन जिनको नहीं समझा है, मैं इस क्यूब रिवॉल्व वाले सिस्टम के बारे में आपको A to Z डिटेल बता देता हूं। जब भी आप गेम स्टार्ट करोगे, प्लेन में होगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा, इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि जो क्यूब रिवॉल्व वाला सिस्टम है ये कब तक खत्म होने वाला है। तो बेसिकली जब आप प्लेन में रहोगे तो 6 मिनट के लिए रहता है ये, शुरुआती 6 मिनट के। जब आप गेम में एक बार मरते हो तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाओगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए होता है। अगर आप 6 मिनट के अंदर 2 बार मर जा रहे हो तो पहले बार जब मरोगे तभी आप ऊपर में खुद सेल्फ रिवाइव होकर आ सकते हो, दूसरी बार में नहीं आओगे, दूसरी बार में आपके टीममेट को आपको रिवाइव करना पड़ेगा। और अगर आपकी पूरी स्क्वाड एक साथ मर जाती है 6 मिनट के अंदर, तो आपके पूरे के पूरे स्क्वाड को एक साथ वापस रिवाइव होने का मौका मिलेगा। अब क्यूब के अंदर जाते हैं तो हमें कलर करना पड़ता है। काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक अलग सा कलर मिला है, जिसमें भाग रहा हूँ तो नीचे का जो डब्बा है वो अलग अलग कलर में हो रहा है। आपको टाइम दिया जाता है, 1 मिनट कुछ टाइम दिया जाता है, तो आपको 1 मिनट के अंदर ये कलर को पूरा फील करना होता है। अलग अलग क्यूब वाले डब्बे होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, तो आपके पास जो कलर है उससे आपको कलर कर
करना है। जैसे जैसे आप कलर करोगे आपको ऊपर वाला जो ये है ये भरते जाएगा, तो जैसे ये भर जाएगा आप रिवाइव हो जाओगे। और अगर आपकी पूरी स्क्वाड एक साथ मर गई है तो आपके पूरी स्क्वाड को एक ही कलर मिलेगा, आप सभी को मिलकर कलर करना है। गाइस जल्दी जल्दी कलर करने के लिए आप जिप लाइन का यूज कर सकते हो। जल्दी जल्दी कलर करना है तो आप ऊंची जगह में चढ़ सकते हो जहां से आप एक साथ काफी सारे क्यूब को टच कर सकते हो, या फिर ऐसे क्यूब होते हैं इसे फोड़ सकते हो। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर में कुछ बंदे होते हैं, इनको आप मार भी सकते हो लेकिन आपको किल नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक ही बंदे को दो बार मार देते हो या फिर उस एक पर्टिकुलर बंदे को सब मिलकर मार देते हो तो उसके पास दो ही मौका है। अगर आपने एक बार मार दिया फिर दूसरे बंदे ने उसको एक और बार मार दिया तो वो क्यूब में रिवाइव नहीं हो पाएगा, वो रिवाइव तभी हो पाएगा जब उसका टीममेट उसे रिवाइव करेगा। हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जो रश खेलता है उसके लिए काफी अच्छा है नया शुरुआत है कि छह में जितना रश खेलना है खेलो, मर भी गए फिर बेच जब बंदा तो गरीना फिर पार दे ही रहा है। काफी सारे लोग कहेंगे नहीं ये गेम को खराब कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो मेरा देखोगे तो मैं बताऊंगा ये गेम को किस तरीके से अच्छे कर रहा है। अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वीडियो और लंबा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, अपने गेम के अंदर हिडन फीचर है जो कि काफी सारे लोग नोटिस नहीं किया होगा, वो फीचर हमारे गेम के अंदर पिंग इशू को ठीक करने में मदद करता है। आपको सेटिंग्स के अंदर जाना, यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन देखने मिलेगा, नेटवर्क में आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने मिलेगा, उसे सिंपली ऑन कर देना है। हमने इसे ऑन तो कर दिया लेकिन इसका फायदा क्या है गाइस? इसका ये फायदा है कि आपके नेटवर्क को ऑप्टिमाइज कर देगा एंड काफी सारे चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि आपका जो पिंग इशू है बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाए। सिंपली आपके नेटवर्क की स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज करेगा जिससे आपका नेटवर्क या फिर इंटरनेट जो है वो स्टेबल रहे, जिससे आपको अच्छा पिंग मिले। लेकिन गरीना ये रिकमेंड करता है इस ऑप्शन को अगर आपको अच्छे से यूज करना है तो आप लोग किसी का हॉटस्पॉट लेना पड़ेगा, मतलब अपने वाईफाई से किसी का नेट खींचो और अपना जो डाटा है उसे भी ऑन करो, दोनों को आप ऑन करोगे और जब आपका जो नेटवर्क है बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, बार बार 99+ चल रहा है, तो ये वाला जो गेम का सिस्टम है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको पिंग इशू हो रहा है तो बड़े आसानी से गाइज आप अपने पिंग इशू को सॉल्व कर सकते हो। जो जो बंदा बोलता है भाई मेरा पिंग इशू हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, तो बड़े याद से भाई उस बंदे को ये वाला गेम का फीचर बताना मत भूलना, क्योंकि मुझे अभी भी पता है काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट आई एम डैम श्योर आपको पता नहीं होगा, गरीना फ्री फायर खुद चाहता है कि आप अपनी टीम के साथ खेलो। अब टीम के साथ क्यों खेलो? क्योंकि अकेले खेल के आप बहुत जल्दी गेम से बोर हो जाते हो, लेकिन अगर टीम के साथ खेलते हो तो बहुत सारे चुतियापे होते हैं, गेम खेलने का मजा बहुत ज्यादा ही आता है। और ये चीज फ्री फायर समझ गया, इसलिए तो जब भी आप फुल मैप खेलते हो उसमें अगर आप बुया कर लेते हो तो आपको अलग से बुया बोनस का प्लस मिलता है, मतलब आपने बुया किया है ना तो फ्री फायर उसका आपको अलग से प्लस देता है। ये हर बार भी नहीं होता है, जब आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है, जब आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तभी बुया बोनस मिलता है आपको। और यहाँ तक आप लोगों को हेल्प अप बोनस भी मिलता है, अगर आपने अपने टीममेट को हेल्प किया है, मतलब वो डाउन हो गया आपने उसको रिवाइव किया तो हेल्प अप बोनस भी मिलता है। रिवाइव करने का बोनस तो मिलता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप वेंडिंग मशीन से अपने टीममेट्स को रिवाइव कर दिया फिर रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव कर दिया तो वहां पे आपको अलग से प्लस भी मिलता है। और मैंने आपको मल्टी मैप बोनस के बारे में बताया था। मल्टी बोनस मैप के बारे में एक और फैक्ट ये है कि अगर आपने सारे के सारे मैप डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस स्क्वाड के साथ आप खेल रहे हो उसके भी सारे के सारे मैप डाउनलोड होने चाहिए तभी आपको मल्टी मैप बोनस मिलता है। देखो यार खुद समझ सकते हो, इशारा ही काफी समझदार को, फ्री फायर खुद चाहता है कि आप स्क्वाड के साथ खेलो, सोलो में ये सब चीजें हमें कहां देखने मिलती है। फाइनली बढ़ते थे मोस्ट अवेटेड फैक्ट नंबर 1 की तरफ, आप कैसे फुल मैप में बहुत सारे या फिर अनलिमिटेड एफएफ कॉइंस ले सकते हो। उसके लिए भी बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है जो कि काफी सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन आपके आंखों के सामने है। लोडआउट्स में सिंपली आपको जाना है, लोडआउट में आप लोगों को एक अलग सा ऑप्शन देखने मिलेगा जिसका नाम है सीक्रेट क्लू। अब सीक्रेट क्लू क्लैश कोड में अलग यूज होता है, फुल मैप वाले गेम में भी अलग यूज होता है। और गाइस उसमें सिर्फ और सिर्फ एफएफ कॉइंस ही नहीं मिलते, उसमें बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिनी लॉन्च पैड भी मिलता है, आपको वहां पे ग्लूवल चिप भी मिलता है, आपको कंपलसरी 600 एफएफ कॉइन मिलते भी हैं। ये तीन चीज तो कंफर्म ही है, लेकिन वहां पे गन्स भी मिलते हैं। मनीष भाई आपने तो हमें चूतिया बना दिया, आपने तो कहा था अनलिमिटेड एफएफ कॉइन मिलेंगे, यार सिर्फ और सिर्फ 600 एफएफ कॉइन मिल रहे हैं। अरे मेरे बाबू पूरी बात तो सुनो, जैसे आप उस चेस को लूट लोगे वैसे मैप में आपको एक नया चेस देखने मिल जाएगा। मींस कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी बार आप उस बॉक्स को खोलोगे उतनी बार आपको नए नए बॉक्स मैप में देखने मिल जाएंगे। तो जितना लूटना है लूटो, अनलिमिटेड एफएफ कॉइन लूटो, अनलिमिटेड ग्लूवल चिप लूटो, अनलिमिटेड लॉन्च पैड लूटो। तो आप लोगों को चीज पर आती या फिर नहीं है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।